कैदी नंबर 420 अपने प्लेट लाओ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूके हिल लाइट्स में। तो भाई अभी हम हैं भद्राज वाले रूट पे, तो कल रात को सामने कर रहे थे कैंपिंग, और सैम भाई भी आ चुके हैं। कल भाई आए नहीं थे, तो आज सैम भाई को ज़बरदस्ती उठा दिया हमने, घर से ही उठा दिया। तो बस सामने कैंपिंग कर रहे थे। तो यार भद्राज का लास्ट का ब्लॉग बन रखा अपना, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज आ रहे हैं हम कैंपिंग करने के, क्योंकि कैंपिंग अपनी फर्स्ट टाइम हो रही है यहाँ पर। और बाकी भाई व्यू देखो यार, तो मिलते हैं फिर आपको लोकेशन के पास। ले रही है ब्लॉग के अंदर, आगे आज बहुत कुछ होने वाला है। और देखो गाड़ियाँ भी गिर रही है भाई अपनी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं आपको लोकेशन के पास। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन के पास। ये भद्राज से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो पीछे आप देख सकते हो बांज के पेड़, और बांज के पेड़ भाई तुम्हें पता है फिर जहाँ बांज और बुरांस के पेड़ होते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, काफ़ी नमी रहती है पेड़ों के नीचे। बहुत बढ़िया है जगह, लोकेशन तो अच्छी है। बाकी पीछे से हम भाई टाइमलेस शूट कर रहे हैं, अंकुल उधर कैंप वैम लगा देते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत शूट वूट कर लेते हैं। तो भाई कल से जंगलों में ही घूम रहे हैं, और भूख ज़्यादा लग रही है, कुछ बना लेते हैं, मैगी वैगी बना लेते हैं। तो करते हैं कुछ। लाओ कैदी नंबर 420 प्लेट लाओ। ये तो मैगी बन चुकी है हमारी, तो अभी मैगी का एंजॉय लेते हैं। सभी भाई बैठे हैं बगल में, तो मैगी खा लेते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। चाउमीन वाली मैगी है हमारी ये। अच्छा, खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगेगी, तो चख लेते हैं। तो अभी नीचे से थोड़ा ऊपर आया हूँ, अभी नीचे आपने देखा आप हमारे टेंट के सेटअप तैयार हो चुके हैं। और भाई पीछे देखो यार, ये पीछे हो रहा है सनसेट हो रहा है इसका, अभी आप टाइम लैप्स चेक कर लो। हाँ, तो ये है भद्राज टेम्पल सामने। तो टेम्पल से काफ़ी नीचे हैं, लगभग 4 किलोमीटर नीचे हैं हम, और ऊपर अलाउ नहीं है कैंपिंग करना। और सबसे बड़ी बात है आप यहाँ पर ड्रिंकिंग वगैरह या चिकन वगैन कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं है। बाकी आप नेचर का एंजॉय ले सकते हो, काफ़ी अच्छा नेचर है यहाँ से। और बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको। इधर अब
अपना सूप रेडी होने को तैयार है, बस उबाल आ जाए थोड़ा इसमें, और इसमें नमक और मिर्च डालनी पड़ेगी क्योंकि जितना हमें नमक मिर्च चाहिए तो उतना है नहीं भाई इसमें। पता नहीं यार कौन सा फ्लेवर था, वो तो सारे जला दिए इधर, फ्लेवर भी याद नहीं है। तो चलो सूप बना लेते हैं, उसके बाद बनेगा खाना। थोड़ा गर्माहट चाहिए भाई साहब, हवा बहुत तेज़ चल रही है और बांझ और बुरांस का जहाँ पे जंगल हो तो वहाँ तो भाई साहब रात गुजारनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बाकी अभी आग जल रही है, सैम भाई इधर से हमें लाइट दे रहे हैं और हमारी बहू रानी पीछे कंबल में, इसको कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। बिल्कुल ले बात। हाँ जी, तो हमने बना दिया सूप और ठंडा काफ़ी हो रहा था, तो अच्छा बना है। ठंडा बहुत हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा जुकाम भी होने लग गया ठंड के कारण भाई, हवा भी चल रही है और भाई लोग बैठे हैं सब पीछे, सूप का जायका ले रहे हैं। तो चलो खाने की सूप की, फिर खाना पीना बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं फिर आपको आगे खाने पर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो रात हमारी बहुत अच्छी कटी, काफ़ी अच्छा वेदर था रात को, और पीछे यहाँ टेंट वेंट अपने पैकिंग हो रही है और नीचे देखो जंगल, सामने हो रहा है सनराइज और ये पीछे बद्रास का व्यू इस साइड में है। तो चलते हैं फिर घर की तरफ। हाँ जी, तो घर जाने से पहले यार चाय नहीं पी थी सुबह, हमारा क्या उसका नाम पानी ख़त्म हो रखा था, तो पानी की समस्या हर जगह आती है हमारे पास कैंपिंग में, या इतना पानी कैरी भी नहीं कर सकते हम अपने साथ। तो अभी थोड़ा पानी वानी लेके आए हैं और यहीं इसी जंगल के बीच यहाँ पर अपनी बन रही है चाय, ये जहाँ सामान मिल जाए अवेलेबल हो जाए वहीं अपना खुल जाता है पिटारा। तो ये बन रही है अपनी चाय, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन राइट सेफ और हर महादेव।